मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है, राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूंगी, अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूंगी। जय हिंद। तो हम लोग पढ़ रहे थे पदार्थ के गुण के बारे में, पदार्थ के गुण के बारे में पढ़ रहे थे, पदार्थ का गुण। तो इसमें हम लोग देख रहे थे पृष्ठ तनाव, देखे थे जल का जो है एक महत्वपूर्ण गुण है द्रव का पृष्ठ तनाव। अब इसी कड़ी में हम लोग आज पढ़ेंगे श्यानता के बारे में, श्यानता विस्कोसिटी। श्यानता को इंग्लिश में कहते हैं विस्को सिटी, ठीक है। और दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे हाँ आर्किमिडीज का सिद्धांत या उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल, ठीक है। बायोएंसी फोर्स, बायोएंसी फोर्स के बारे में अध्ययन। तो इसके बारे में देखते हैं श्यानता क्या होती है। श्यानता, श्यानता आपने देखा होगा जो है शहद वहद को ऐसे चेक करते हो या फिर वो बनाते हो, क्या नाम है, चाशनी बनाते हो ना रसगुल्ला डालने के लिए, तो फिर चाशनी को क्या करते हो ऐसे डाल करके उसमें उंगली देखते हो तार बन रहा है कि नहीं बन रहा है, चिपचिपापन देखते हो कि नहीं, तो वही चिपचिपापन क्या है, श्यानता है। गाँव की भाषा में चिपचिपापन कहते हैं और थोड़ा पढ़े लिखे लोग जो है श्यानता कहते हैं, और गांव में कह दो कि सयानता कहेगा सयाना की बात कर रहे हो क्या, सयान तो सयाना हो गया है, सयाना मतलब जानकार हो गया है, यानी समझ बूझ विकसित हो गई है, तो उसको सयाना बोलते हैं ना, तो कहते ना सयान हो गया है आदमी, हमारे कहते हैं सयान हो गया है, सयान मतलब अब यानी वयस्क हो गया है कहने का मतलब, तो वो सयानता। यहाँ पर सयानता अलग चीज़ है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं विस्कोसिटी। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, विस्कोसिटी, डिस्को नहीं विस्को, अब डिस्को ही करेगा उसमें जो है, तो विस्कोसिटी जो है। अब ये विस्कोसिटी क्या होता है, ये द्रव और गैस की एक विशेषता है, गुण है, द्रव और गैस दोनों दोनों पदार्थों की विशेषता है, द्रव की भी है और जो है गैस की भी है, ठीक। तो उस पदार्थ में नहीं विस्कोसिटी पाई जाएगी, विस्कोसिटी उसमें पाई जाएगी जिसमें परत होंगे, जिस पदार्थ में परत होंगे, और पदार्थ एक ही होना चाहिए, सेम पदार्थ होना चाहिए, ठीक है। तो उसके अंदर जो है परत पाई जाती है। जल है जैसे पानी भरा हुआ है, तो पानी में क्या पाया जाता है, उसमें परत पाई जाती है, लेयर्स पाई जाती हैं, और पानी का जो प्रवाह होता है तो लेयर्स में प्रवाहित होती हैं, जल का प्रवाह जो होता है तो लेयर्स में ही प्रवाहित होती हैं, और जब प्रवाह होता है तो दोनों लेयर्स के बीच में, दो या दो से अधिक लेयर्स हो सकते हैं, तो लेयर्स के बीच में घर्षण बल उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है, घर्षण बल, लेयर्स के बीच में घर्षण बल उत्पन्न होता है, किसी एक ही मतलब पदार्थ, सेम कैटेगरी का पदार्थ, यानी द्रव या गैस हो, जैसे जल हो गया या शहद हो गया या दूध हो गया, दूध दूध ही हो गया तो एक अलग पदार्थ हो गया दूध, तो अब दूध को बाहर फेंक रहे हो, बह रहा है, तो उसमें जो है लेयर्स बनी हुई हैं दूध के ऊपर, हम ऐसे नग नापुस नहीं दे सकते हैं लेकिन उनमें लेयर्स होती है, तो अब वो बहता हुआ लेयर्स, तो उनके बीच में क्या उत्पन्न होगा, घर्षण बल, घर्षण बल उत्पन्न होगा। तो इस यही घर्षण बल जो है यही क्या कहलाता है, द्रव पदार्थ में या गैस पदार्थ में श्यानता कहलाता है, क्या कहलाता है, श्यानता कहलाता है। और घर्षण बल क्या करता है, व्यवधान उत्पन्न करता है, घर्षण बल क्या उत्पन्न करता है, व्यवधान, रुकावट उत्पन्न करता है। जैसे हम जो है चल रहे हैं सड़क पर, हम चल रहे हैं सड़क पर, तो सड़क एक अलग पदार्थ हो गया और हम एक अलग पदार्थ हो गए, तो हम जब चलते हैं तो घर्षण बल के कारण ही इस पर चल पाते हैं, अगर घर्षण बल ना हो तो आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो घर्षण बल क्या उत्पन्न करता है, भाई हम तो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, और जो धरातल है, जो सतह है, जो सड़क है, वो हमको पीछे खींचने का प्रयास करता है, सतह हमको पीछे खींचने का प्रयास करता है, अगर वो पीछे नहीं खींचेगा, हम आगे पैर बढ़ाएंगे, अगर वो पीछे नहीं खींचेगा तो हम आगे गिर जाएंगे, वो पीछे खींचता है तभी तो हम बैलेंस बना पाते हैं, तभी हम बैलेंस बना पाते हैं, ठीक है। तो वो पीछे अगर नहीं खींचेगा तो हम आगे दांत केवल गिर जाएंगे, दांत हमारी बत्ती सी टूट जाएगी, तो ये फ्रिक्शन के कारण ही होता है, ये घर्षण बल के कारण ही होता है। और जब ये द्रव में होता है
तो फिर उसे क्या कहते हैं, स्यानता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, स्यानता, विस्कोसिटी कहते हैं, उसे विस्कोसिटी कहते हैं, स्यानता कहते हैं। तो ये होता कैसे, देखो ये जो है मान लो ये एक सतह है, ये क्या है, ये सतह है, और इस सतह पे हमने जो है पानी डाल दिया, इस सतह पर हमने पानी डाल दिया, या बहता हुआ पानी जो है नदी में पानी बह रहा है, ये मान लो नदी है, ठीक। अब पानी बह रहा है तो पानी इस सतह के सहारे से भी तो बहेगा, इस सतह के सहारे से भी बहेगा, इसके ऊपर एक लेयर चलेगी, ठीक है, इसके ऊपर एक लेयर चलेगी, इसके ऊपर एक लेयर चलेगी, इसके ऊपर एक लेयर चलेगी, ठीक। तो इस तरीके से पानी ये पूरा जल हो गया और ये जल बह रहा है। तो अब जो है जो नीचे इसके साथ जो एकदम बिल्कुल इससे चिपक के चल रहा होगा जल, वो एक तो ऊपर से दबाव और नीचे रोकने का प्रयास कौन कर रहा है, ग्राउंड, तो ये तो रोकेगा, कहेगा रुक रुक, तो उसको नहीं आगे जाने देंगे। तो जो इसके साथ चिपक के जल जो बह रहा होगा वो तो बिल्कुल उसकी गतिशीलता क्या होगी, शून्य सी होगी, बहुत कम आगे बढ़ेगा। लेकिन इसके ऊपर जो बह रहा होगा वो थोड़ा गतिशील होगा, क्योंकि नीचे वाला भी, नीचे वाला जल इसको रोकने का प्रयास करेगा कि तू आगे जा रहा है। जैसे मैंने ग्राउंड की बात की, हमारा पैर जो है ग्राउंड से टच होकर चल रहा है, तो ग्राउंड हमको क्या करता है, घर्षण बल के कारण रोकने का प्रयास करता है कि आगे मत जा, रुक हमारे साथ ही यही चिपक। लेकिन हम तो पावर आगे बढ़ा रहे हैं ना, तो आगे बढ़ा रहे हैं इसलिए आगे चल रहे हैं, और अगर रोकेगा नहीं तो आगे हम झटके से गिर जाएंगे, तो इसलिए उसके फ्रिक्शन के कारण हम गिरते नहीं और आगे चले जाते हैं, बैलेंस बना रहता है। तो ऐसे ही जल, जल की प्रत्येक सतह, निचली प्रत्येक निचली सतह अपने से ऊपर वाले जल की सतह को, जल के परत को रोकने का प्रयास करती है, जल के ऊपरी सतह को क्या करती है, रोकने का प्रयास करती है। जैसे ये ग्राउंड वाला इसको रोकेगा तो ये जो है इसको रोकेगा, लेकिन शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती जाती है, रोकने की शक्ति, क्योंकि अब जो है ग्राउंड से वो ऊपर होता जा रहा है, तो ये थोड़ा स्पीड में होगा, ये कम स्पीड में होगा, और इसके ऊपर वाली सतह और स्पीड में होगी, इसके ऊपर वाली सतह और स्पीड में होगी, दो सब एक दूसरे को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। और जो आगे जा रही है, आगे पानी बह रहा है, वो क्या करेगा, जो है नीचे वाले को लेकर चलने का प्रयास करेगा, नीचे वाले को, नीचे वाला रोकने का प्रयास करेगा और ऊपर वाला लेकर चलने का प्रयास करेगा, तो दोनों के बीच एक टक्कर उत्पन्न होगा, एक टकराव उत्पन्न होगा, घर्षण उत्पन्न होगा। उस टकराव को क्या कहेंगे, घर्षण, उस टकराव को क्या कहेंगे, घर्षण बल। तो ये घर्षण बल दो लेयर्स जल के या द्रव के जो है लेयर्स के बीच में घर्षण बल उत्पन्न होता है, इसी घर्षण बल को क्या कहते हैं, स्यानता कहते हैं। अब स्यानता जो है, जो पदार्थ है, जैसे जो द्रव है, उस द्रव के अणु भार पर निर्भर करता है, स्यानता किस पर निर्भर करता है, अणु है। हमने बताया कि हर पदार्थ में क्या होता है, अणु होते हैं, हर पदार्थ में क्या होते हैं, अणु होते हैं, और अणुओं में क्या होता है, भार होता है। तो जिस पदार्थ का अणु भार जितना ज्यादा होगा, उस पदार्थ में स्यानता उतनी ज्यादा होगी, स्यानता उतनी अधिक होगी। जैसे मैं इसमें एक लेके आया हूँ शहद, मैं क्या लेके आया हूँ, शहद, और शहद में अणु भार क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक। तो हमने जो है ये बच्चे का फूल ले आया हूँ दिखाने के लिए, इसमें हमने शहद डाला, इसमें हमने शहद डाला, ठीक। अब शहद मैंने डाल दिया, दिख रहा है वहां से कि नहीं, इसमें भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, अब दिखा, अब देखो इसको मैंने ढाल दे दिया, इसको मैंने क्या दे दिया, ढाल, और ये गतिशील हो गया, ये क्या हो गया, गतिशील हो गया। लेकिन अभी रुक जा, रुक जा, अभी मत जा, अभी रुक जा, ये खोलो जरा, इसको खोलो, पानी खोलो, ढक्कन ढक, इसमें ढक्कन में थोड़ा जल डालो, लाओ मुझे दो। अब इसमें हमारे ढक्कन में क्या है, जल है, वाटर है, ठीक है, और इस पे मैंने डाल दिया है शहद, इस पे हमने क्या डाल दिया है, शहद। अब पहले तो दिमाग में यही होगा कि मतलब शहद का अणु भार ज्यादा होता है और जल का कम होता है, तो अगर सेम टिल्ट दें, टिल्ट मतलब झुकाव, इस सतह को हम अभी तो झुकाव नहीं दिए हैं तो शहद तो रुका हुआ है, लेकिन जल जैसे डालेंगे तो वो कुछ ना कुछ झुकाव अपना देख लेगा और फैलेगा। तो अब देखते हैं इसका रिजल्ट, हमने इस पर जल डाल दिया, ठीक, और सेम झुकाव देते हैं बराबर, कौन पहले गिर गया, जल, और शहद अभी चल रहा है, तो यानी फ्रिक्शन किस में ज़्यादा लग रहा है, शहद में, शहद में फ्रिक्शन ज़्यादा लग रहा है और जल में कम था, तो स्यानता किसकी ज़्यादा हो गई, शहद की, और जल की स्यानता क्या हो गई, कम हो गई,
इसकी अपेक्षा। तो श्यानता समझ में आया, श्यानता यानी किसी बहते हुए द्रव को, गैस हो या द्रव हो, उसमें प्रवाह होता है तो श्यानता रोकने का प्रयास करता है। अगर अधिक श्यानता होगा उसमें, अधिक फ्रिक्शन बल उत्पन्न होगा उसमें, तो घर्षण के कारण उसको और रोकेगा कौन, उसकी निचली सतह। अब भाई ये सतह से चिपटी हुई है, अब इसमें लेयर्स है जो हमको दिखी नहीं है, अभी शहद की भी लेयर्स बनी है, तो ये लेयर्स जो है ये नीचे से चिपक रहा है, फिर ऊपर वाला लेयर्स उसके मतलब उसके नीचे ऊपर वाले को रोक रहा है, फिर उसके ऊपर वाले को उसका निचला वाला लेयर से रोक रहा है, जो मैं इधर से समझाना चाह रहा हूँ। तो ये बिल्कुल वही चीज़ है जो मैंने यहाँ बोर्ड पे बनाया था, यहाँ पे मैंने प्रैक्टिकल करके बताया है। तो ये जो है यानी इसमें अगर हम देखें तो सबसे तेज कौन सी मतलब लेयर ऊपर मतलब गति करेगी, ऊपर वाली। तो चित्र बना करके पूछा जा सकता है परीक्षा में कि चार चित्र बना देगा, चार चित्र बना देगा और कहेगा कि इनमें से कौन से लेयर्स, ये भी दे देगा, कहेगा ए बी सी और डी, ठीक, और चार चित्र बना देगा। फिर पूछेगा निम्न में से जो है कौन से लेयर की गति श्यानता के आधार पे सर्वाधिक होगी, ए में पूछेगा डी, बी में पूछेगा सी, सी में पूछेगा बी, ए डी में पूछेगा ए, तो आप किस पे टिक लगाओगे, ऑप्शन ए में, जो कि कहाँ है, डी, जो कि डी वाले लेयर्स पे है जो सबसे ऊपर है। प्रश्न ऐसे खगोर के पूछा जाता है, यहाँ हम पढ़ा देंगे तुम कहोगे जो है प्रश्न कहाँ से आ गया, तो प्रश्न भी रिलेट करके पढ़ा करो। अब आजकल चित्रात्मक प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं और ये बहुत अब समझ गए तो बहुत सरल लगे, अब आईएएस में ऐसे घुसर करके प्रश्न पूछ लेता है चित्र वाला और देखते ही आदमी बेहोश हो जाता है, साला ये कहाँ से आ गया, चित्र तो समझे में नहीं आ रहा है। तो चित्र जब समझ जाओगे तो उसका उत्तर भी आसानी से कर दोगे। तो ऐसे प्रश्न बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये श्यानता का बल हो गया। श्यानता जो है इसको जो है फिर से एक बार समझ लो, यानी किसी भी द्रव में, किसी भी द्रव में परत पाई जाती है, लेयर्स पाए जाते हैं, जब उसको हम प्रवाहित करते हैं तो उसमें जो निचला लेयर है वो ऊपर वाले लेयर को आगे बढ़ने से रोकता है, आगे बढ़ने से रोकता है, और ऊपर वाला लेयर अपने नीचे वाले लेयर को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। तो उस कोशिश में एक बल उत्पन्न होता है जिसको कहते हैं घर्षण बल, जिसको क्या कहते हैं, घर्षण बल। और उसी घर्षण, वो घर्षण बल जब द्रव में उत्पन्न होता है या गैस में उत्पन्न होता है तो उसको श्यानता कहते हैं, वो क्या कहते हैं, श्यानता कहते हैं। या अब जैसे ये कलम है, ये मार्कर है, इस मार्कर में भी अणु भार है, ठीक। अब मार्कर को ऐसे धक्का दिए तो ऐसा तो है नहीं कि इसकी एक लेयर आगे जा रही है और दूसरी नहीं जा रही, ये तो पूरा जा रहा है, तो इसमें श्यानता नहीं दिखाई देगा। लेकिन हमारे ग्रिप से, ये हाथ के ग्रिप से चिपकी हुई है तो ये रोकने का प्रयास करेगा, हाथ की सतह मतलब उंगली की सतह जो है हमारी रोकने का प्रयास करेगा, तो यहाँ कौन सा बल लग रहा है, घर्षण बल लग रहा है, तो इसको प्योर घर्षण बल कहेंगे, इसको फ्रिक्शन बल कहेंगे। अगर इसको दबा कर नहीं रखें तो ये गिर जाएगा, जैसे कि हम बताए ना चल हम रहे हैं और अगर धरातल सतह हमको रोकने का प्रयास ना करें, घर्षण बल ना लगाए तो हम गिर जाएंगे, जैसे कि ये गिर गया ऐसे हम भी गिर जाएंगे ना। तो घर्षण बल के कारण जो है हम आगे चल पाते हैं, और घर्षण बल के कारण ये जो हमारी उंगली की घर्षण लग रही है, इसको धक्का हम दे रहे हैं, तो इस घर्षण बल के कारण ही ये रुका हुआ है। तो इस तरीके से जो है श्यानता ये चीज होती है। अब ऐसे उदाहरण समझ लो, जैसे एक परिवार का सदस्य है, एक परिवार का सदस्य है और उसमें दो भाइयों के बीच क्या हो गया, लड़ाई हो गई, घर्षण उत्पन्न हो गई, लड़ाई हो गई, ठीक है। एक ही परिवार के दो भाइयों के बीच घर्षण, तो घर्षण क्या उत्पन्न करता है, व्यवधान, रुकावट, तो परिवार आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन एक समझदार है ऊपर वाला जो आगे बढ़ना चाह रहा है, और नीचे छोटा भाई है जो थोड़ा सा कम समझदार का, रुक तू आगे कैसे बढ़ रहा है, तेरी टांग में खींचूंगा, तो नीचे वाला रोक रहा है, ऊपर वाला आगे बढ़ रहा है, बड़ा वाला जो समझदार है, भाई लड़ाई चल रही है तो लड़ेगा तो वो भी, लेकिन वो कहेगा लड़ते हुए आगे निकलेंगे, तुझको हम धक्का देके भी अपने साथ लेकर, तो बड़ा वाला भाई समझदार कहेगा चल मेरे साथ तू भी चल, छोटा लगेगा रुक हम यहाँ रुके हैं, तू मेरे साथ रुक आगे क्यों बढ़ रहा है, तो दोनों के बीच जो है घर्षण उत्पन्न हो रहा है। तो वो कैसा घर्षण हो गया, वहां पर क्या हो गया, विस्कोसिटी, श्यानता, लेकिन द्रव नहीं है वो, हम क्या है, मानव उदाहरण से कह रहा हूँ, उदाहरण देकर समझाना चाह रहा हूँ। तो ये चीज हो गया श्यानता, विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी से संबंधित अगर किसी भी प्रकार से इस तरीके से प्रश्न चित्र बना करके या कोई पूछ ले इस तरीके से, तो ज्यादातर प्रश्न इसमें यही संभावना बनेगी कि विस्कोसिटी किसका गुण है, तो उसमें दे देगा ठोस का, केवल द्रव का, केवल गैस का, या द्रव और गैस दोनों का,
या तीनों का, ठोस द्रव गैस तीनों का, तो किस पे टिक लगाओगे? द्रव और गैस। तो प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक, पढ़े तो सब हो लेकिन उस दृष्टिकोण से नहीं दिमाग है तो नहीं कर सकते हो, तो इसलिए ऐसे प्रश्न यहाँ से बनाए जाते हैं। तो विस्कोसिटी हो गया श्यानता। अब हम लोग देखेंगे उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल या उत्क्षेप बल भी इसको कहते हैं, इसको कहते हैं उत्क्षेप, ठीक। अब ये भी किसकी विशेषता है? जल और गैस की। उत्क्षेप बल भी किसकी विशेषता है? जल और गैस की। आपने देखा होगा कि जल में, इसको पहले प्रैक्टिकल से ही समझो, ये हमने गिलास में जो है, या जल में गिलास भर लिया, नहीं गिलास में जल भर लिया, ठीक है, और ये हमारे पास है भट्टा, भाटा बोलते हैं हम लोग, क्या है? बैगन। अब इसको हम ज़्यादा भर दिया, पानी फैलेगा, इसको हम क्या कर रहे हैं? नीचे डुबो रहे हैं और ये ऊपर आ जा रही है, इसको नीचे डुबो रहे हैं, ये ऊपर, इसमें भी आ रहा है ना, ये नीचे हम डुबो रहे हैं और ये ऊपर आ जा रहा है। क्यों ऊपर आ रहा है? क्योंकि जल नीचे से प्रेशर मार रही है। जल नीचे से क्या मार रही है? प्रेशर। तो इसी प्रेशर को क्या कहते हैं? उत्क्षेप या उत्प्लावन बल। इसी जो है नीचे से धक्का जल मार रहा है तो इसी को क्या कहते हैं? उत्क्षेप बल या उत्प्लावन बल। अब इसका पता सबसे पहले किसने लगाया था? तो ये एक व्यक्ति था आर्किमिडीज, एक व्यक्ति था आर्किमिडीज। ये बेचारा जो है कोई वैज्ञानिक नहीं था, हमारे तरीके से कम पढ़ा लिखा था, ठीक है, लेकिन ये काम करके आया तो थक हार गया था। तो विदेशों में क्या होता है, मतलब छोटे छोटे पुल होते हैं जो घर में बना लेते हैं, तो रोज पुल में थकान मिटाने के लिए रोज उतर जाता होगा, लेकिन एक दिन उतर गया और थोड़ा दिमाग शांत रहा होगा, घंटे भर मस्ती किया ऐसे पुल में लेट करके, इस तरीके से मान लो यहाँ पर जो है, ये जो है पुल है, और ईटा गारा काम करके आया और आर्किमिडीज इसमें जा करके लेट गया, ये पानी से भरा हुआ है, ये टब जो है पानी से भरा हुआ है, और आर्किमिडीज महोदय इसमें जा करके ऐसे विश्राम कर रहे हैं, इस तरीके से लेट लाट गए ये आर्किमिडीज, ठीक। तो आर्किमिडीज महोदय इस पानी से भरे हुए टब में लेट गए, तो कुछ समय आराम मिला, उसके बाद कुछ समय बाद में दिमाग कह रहा है, यार मेरा वजनवा तो हल्का लग रहा है, वैसे तो मैं भारी हूँ लेकिन मेरा वजन महसूस हो रहा है हल्का। तो इनका वजन जब लगा कि हल्का, घंटे भर पड़े रहे, और जब थकावन के बाद इनके दिमाग में आया कि हल्का, ये तो हल्का क्यों लग रहा है, पानी में हम इतनी देर से लेटे हैं, हमारा शरीर हल्का महसूस हो रहा है, तो इनका कुछ तो लोचा है इसमें। तो इस लोचा को चेक करने के लिए इन्होंने कहा, एक एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने, इस लोचा को चेक करने के लिए क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने, एक जार में ऐसे पानी भर दिया, एक जार में पानी भर दिया और एक जार छोटा सा इसके अंदर रखा, मतलब इसमें भरा पानी, इसमें इस छोटे से जार में भरा, ठीक, और इसको इन्होंने लबालब पानी से भर दिया, लबालब पूरा लबालब पानी से भर दिया। अब इन्होंने पड़ोसी से मांग लिया एक तराजू, पेंडुलम वाली, जो गैस वैस देखो कि सिलेंडर उठाकर ऐसे नापते हैं ना, तो उसमें भी वजन पता चल जाता है। तो उन्होंने ये बांधा इसमें रस्सी से, एक ईंटा बांध लिया, 5 किलो का पत्थर बांध दिया, जो भी किलो रहा हो मान लेते हैं, 5 किलो का इन्होंने पत्थर बांध दिया, जो वजन बता रहा है कहाँ, इस पेंडुलम में। ये मशीन है जो पेंडुलम जिसको बोलते हैं, जिसमें हम वजन मापते हैं। एक तो वजन ऐसा होता है, तराजू होता है, तराजू तो कई प्रकार के आते हैं, तो एक कांटे वाला तराजू होता है जिसमें मतलब गैस वैस सिलेंडर वगैरह खींच करके ऐसे वजन पता चलता है। तो ईंट बांध दिया, फिर उन्होंने धीरे धीरे क्या किया जो है, इस ईंट को लाया यहाँ तक और इस पानी में डुबो दिया, इस पानी में डुबो दिया, और ये पानी पूरा यहाँ तक लबालब भरा हुआ था। जैसे ही ईंट यहाँ पानी में डुबोया तो ये पानी इस जार से बाहर निकल करके कुछ इधर गिरा और कुछ इधर गिरा, और जैसे ये पानी के ऊपर, पानी के अंदर गया ये ईंट 5 किलो का, तो इसका वजन हो गया 3 किलो। इसका वजन इन्होंने देखा, इस पर कितना दिखा रहा है, 3 किलो। ईंट तो वही है, पत्थर तो वही है, 5 किलो वाला है, लेकिन अब वजन जो पानी में आने के बाद कितना हो गया, 3 किलो। तो इन्होंने कहा, ये ससुरा 3 किलो क्यों हो गया? तो इन्होंने कहा, अच्छा ये पानी इधर गिरा है, इधर गिरा है। तो इन्होंने पानी किसी तरीके से इसमें से निकाला, पानी इसमें से निकाला, उसका वजन किया, देखा 2 किलो। कहा, ससुरा ईंट का वजन कम नहीं हुआ है, ईंट ने जो है अपने बराबर वजन, जितना वजन उसने कम किया था उतने वजन का पानी इसने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, इतने वजन का पानी इसने बाहर निकाल दिया, इसलिए जो है ईंट का वजन 3 किलो रह गया, पत्थर का वजन, और पानी बाहर 2 किलो निकल गया, तो वजन तो बराबर ही 5 ही किलो हुआ, लेकिन अब 2 किलो वजन के बराबर का उसने पानी बाहर निकाल दिया। तो इन्होंने कहा, वाह हो गया, यूरेका यूरेका, यहाँ पे चिल्लाया क्या,
यूरेका यूरेका, कहाँ मिल गया मिल गया मिल गया, कहा अपनी भाषा में कहा मिल गया मिल गया। सब गांव वाले मोहल्ले वाले कहे सर पगला गया है, कहा चिल्ला रहा है मिल गया मिल गया। उन्होंने कहा जो खोज रहे थे वो मिल गया, ये क्या खोज रहा था आर्किमिडीज, कहा बताएंगे बाद में, और बता दिया। आज दुनिया पढ़ रही है, गाँव वाले जो इसको पागल समझ रहे थे अब वो आज बता के चला गया, आर्किमिडीज का सिद्धांत दे गया, उत्प्लावन का बल बता के चला गया, दुनिया पढ़ रही है। और गांव मोहल्ले वाले उसको पागल कर रहे थे, चिल्ला रहा था पूरे गली में घूम करके, अरे मिल गया यूरेका यूरेका चिल्ला रहा था, अरे पगला गया था, पता नहीं क्या मिल गया है इसको जो है। तो पागल ही इतिहास रचते हैं, जो पागल हो जाते हैं वैसे ही इतिहास रच डालते हैं। जो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति था उसने एक सिद्धांत दे दिया। अब इस ये सिद्धांत जो है अभी मैंने इस पर दिखाया था, जैसे जो है अभी लबालब भर दें इसको, लबालब लबालब भर दिया, पानी अब नहीं निकल रहा है, और इसका कुछ ना कुछ वजन होगा, इसका कुछ ना कुछ वजन होगा। अब इसको मैं इसमें डाल रहा हूँ, पानी निकल गया बाहर, तो जितना पानी निकला है अगर इसको हम वजन करते, अब ये हमको हल्का महसूस हो रहा है, इसको पानी में डुबोए तो ये हल्का महसूस, आभास हल्का हो रहा है, इसका आभास क्या हो रहा है हल्का हो रहा है इस बैगन का। तो अब ये बैगन हल्का क्यों हो गया, क्योंकि इसने उतने वजन का पानी बाहर गिरा दिया है, उतने वजन का ये पानी इसने बाहर गिरा दिया है। ठीक है, तो ये जो है इस सिद्धांत को सबसे पहले किसने देखा था, आर्किमिडीज ने। तो इस सिद्धांत को कहा, और ये किसकी किसके अभी तैर क्यों रहा है, तो उत्प्लावन बल के कारण तैर क्यों रहा है, उत्प्लावन बल के कारण। और ये नहीं तैर रहा है, ये देखो नीचे चला गया, सतह पे जाकर लग गया, तो ये नीचे चला गया, डूब गया, अरे निकल निकल निकल। और एक चीज और है मेरे पास, देखते हैं ये सुबह से इसका कुछ वजन कम हो गया होगा, तो ये न नीचे गया है और न पूरा ऊपर आया है, ये बीच में तैरेगा, बीच में तैरेगा। तीन तरीके का मैंने परिस्थिति बनाने का प्रयास किया है, ये पूरी तरीके से ऊपर भी नहीं है, ये थोड़ा सा सिकुड़ गया है, रात भर से कटा हुआ बेचारा है, नहीं तो ये जब मैंने रात में एक्सपेरिमेंट किया था तो ये बीचों बीच में तैर रहा था। ठीक है, बीचों बीच में, यहाँ सतह पे भी नहीं था, ऊपर वाले सतह पे और नीचे पेंदी पे भी नहीं था। तो तीन तरीके की परिस्थितियां आर्किमिडीज ने पहचानी, तीन तरीके की परिस्थितियां पहचानी। अब तीनों परिस्थितियों को देखते हैं हम लोग यहाँ पर। इन्होंने कहा कि जो वस्तु है, ये क्या है, वस्तु है, अगर वस्तु का भार, वस्तु का भार, अब वस्तु जब पानी में जाएगी तो पानी को बाहर फैलाएगी, तो वस्तु का भार यदि पानी जितना फैल रहा है उससे अधिक है, पानी जितना फैल रहा है उससे अधिक है, तो यहाँ हम लिख देते हैं पानी फैला, पानी फैला, जितना पानी फैला जार में से उससे अगर वस्तु का भार अधिक है तो वस्तु जो है नीचे चली जाएगी, वस्तु कहाँ चली जाएगी, नीचे डूब जाएगी, वस्तु नीचे डूब जाएगी, इस तरीके से वस्तु नीचे डूब जाएगी। तो पहली कंडीशन आर्किमिडीज ने बताई कि अगर वस्तु का भार जितना पानी वो निकाल रहा है अपने पेंदे से, मतलब उससे जार में से, उससे अगर वस्तु का भार अधिक है, यहाँ पर पानी मैंने निकाला था जो, ये इसी की बात कर रहा हूँ, ठीक, तो जितना पानी यहाँ निकला उससे अगर वस्तु का भार अधिक है तो वस्तु सीधे कहाँ चली जाएगी, नीचे चली जाएगी, डूब जाएगी। दूसरी कंडीशन बताई, अगर वस्तु का भार, वस्तु भार बराबर होगी किसकी, जितना पानी फैला, जितना पानी फैला मतलब बाहर किया, जितना पानी फैला, तो यहाँ पर दूसरी कंडीशन बनेगी, वो बीच में तैरेगी, ना नीचे डूबेगी ना ऊपर रहेगी, वो क्या होगी, बीच में डूबे तैरेगी, जैसा कि मैंने अभी एक्सपेरिमेंट करके बताया, तो ये बीच में तैरेगी। और तीसरी कंडीशन क्या बनती है, यदि वस्तु का भार कम हो जाए, वस्तु का भार क्या हो जाए, कम हो जाए, पानी जितना फैला है, पानी जितना फैला है उससे वस्तु का भार क्या हो जाए, कम हो जाए, तो वस्तु क्या होगी, पानी पर तैरेगी, वस्तु पानी पर तैरेगी। अब इसको समझा रहा हूँ, तीनों कंडीशंस को समझा रहा हूँ, ठीक है। तीन कंडीशंस आर्किमिडीज ने बताया कि वस्तु का भार, जैसे ये था हमारा, ये वस्तु जो था, ये पहले कंडीशन का बता रहा हूँ, ये नींबू है हमारे पास, नींबू का भार और इसमें जल है, अब ये जब नींबू डालेंगे तो जल फैलेगा अर्थात ऊपर आ जाएगा। अगर हम इसमें मीटर लगाए होते, इसमें मीटर लगाए होते और मापते सेंटीमीटर लगा करके, तो अभी जल इसको डालने से पहले जल यहाँ था, अब जल कहाँ आ गया, ऊपर आ गया, अर्थात इस नींबू का भार इसके द्वारा हटाए हुए
जल से अधिक था, इसके द्वारा हटाए हुए जल से इस नींबू का भार क्या था, अधिक था, इसलिए नींबू जो है इसमें क्या हो गया, डूब गया, नीचे डूब गया। और दूसरे कंडीशन में हमने बताया था, दूसरे कंडीशन में बताया था ये हमारे पास कटा हुआ क्या है, मूली। अब इसमें मैंने बताया था कि जितना इसने जल हटाया उतना ही इसका भार है, जितना इसने जल हटाया उतना ही इसका भार है, तो ये क्या करेगा, तैरेगा, ये बीच में तैरेगा, ऊपर नहीं, बीच में, ये थोड़ा सिकुड़ गया है, रात में तैर रहा था बेचारा जो है, फ्रिज में से बाहर निकाल लिए थे तो सिकुड़ गया है, तो इसका वजन और कम हो गया है, तो ये ऊपर आ जा रहा है बार बार, लेकिन अब करना एक्सपेरिमेंट, ठीक, तो ये यहाँ पर तैरेगा, बीच में कहीं तैरेगा, ठीक, तो ये किसके कारण, क्योंकि ये इसका भार और जो जितना पानी इसने फैलाया, जितना पानी इसने बाहर किया उसका भार, दोनों का भार क्या है, बराबर है, इसलिए बीच में लटक जाएगा। और बैगन के साथ क्या हो रहा है, बैगन बेचारा ये जा तो रहा है लेकिन इसको पानी हमेशा ऊपर फेंक दे रहा है, ये नीचे नहीं जा पा रहा, जैसे नीचे धक्का मार रहा है तो ऊपर, नीचे से पानी इसको ऊपर धक्का मार दे रहा है, वस्तु का भार जो है कम है, पानी अधिक जो है फैल रहा है और वस्तु का भार इसका कम हो जा रहा है, वस्तु का भार कम हो जा रहा है, पानी इससे अधिक फैल रहा है, इसलिए नीचे से धक्का मार करके इसको ऊपर उठा दे रहा है, तो ये क्या होगा, ऊपर तैरेगा। तो तीनों कंडीशंस ये हो गए, तीनों कंडीशंस ये हो गए, इसी को कहते हैं, ये जो तीसरा कंडीशन बनेगा इसी में जहाज तैरते हैं, इसी कंडीशन से क्या होते हैं, पानी के जहाज तैरते हैं, इंसान तैरता है, मछलियाँ तैरती हैं, तो इस कंडीशन से, अर्थात जो जब हम मान लो हम पानी में कूद गए, हमको तैरना नहीं आता है, हम पानी में कूद गए हमको तैरना नहीं आता है, तो हमारी कंडीशन क्या होगी, पहली वाली, यानी हमारा जो भार है, हमारा जो भार है वो ज़्यादा होगा, पानी फैलने से ज़्यादा होगा, तो डुबोग से नीचे चले जाएंगे, टब में या तालाब में नीचे चले जाएंगे। लेकिन अगर हमको तैरना आता है तो हम क्या करेंगे, अपने भार से ज़्यादा पानी बाहर फैलाएंगे, अपने भार से ज़्यादा पानी बाहर फैलाएंगे, दो हाथ से फैलाएंगे, दो पैर से फैलाएंगे, और कुछ हमारा वजन फैला रहा होगा तो ज़्यादा निकल जाएगा पानी, तो ज़्यादा पानी निकल जाएगा तो हम सतह के ऊपर आ जाएंगे। और कुछ लोग कलाकारी करते हैं, बीच में ही तैरते हैं, सांस को रोक लेंगे और नीचे चले जाते हैं, तो वो आर्किमिडीज के दूसरे वाले सिद्धांत से, यानी पानी उतने निकाल रहे हैं, फेंक रहे हैं जितना उनका भार है, तो वो कहाँ चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे बीच में। पनडुब्बी इसी सिद्धांत पर काम करती है, पनडुब्बी जो है इसी सिद्धांत पर काम करती है, पनडुब्बी जो है वो न सतह पर नीचे रहती है पेंदे में और ना ही सतह के ऊपर, वो बीच में तैरती है, बीच में तैरती है, तो इस सिद्धांत पे तैरती है, ठीक। मछलियाँ सारा फिजिक्स का नियम जानती हैं, वो घटाक से नीचे चली जाएंगी, घटाक से नीचे चली जाएंगी, सांस को रोक लेंगी, उनके शरीर के अंदर वायु नहीं जाएगी, वायु गिल्स से जाती है, वो सांस कैसे लेते हैं, गिल्स से लेते हैं, तो उनके चैम्बर्स में हवा पहुँच जाती है, वो हल्की हो जाती है, हवा पहुँच जाती है, वो हल्की हो जाती है, बस सतह पर आ जाती हैं और हवा को रोक लेंगी तो नीचे चली जाएंगी, और तो वो फिजिक्स के सिद्धांत को जानती हैं और तैरती रहती हैं, ठीक। तो इस तरीके से जो है ये इसी को आर्किमिडीज ने पहचाना था, इसलिए इसको कहते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। अब नाव जो भारी भरकम है, इतना बड़ा सा नाव है, देखो वो लड़की पूछ रही थी लकड़ी का गुटका जो है डूबता क्यों नहीं, यहाँ पे आज वही चीज़ पढ़ा रहे हैं, वो आई नहीं है। तो जो हमने सरफेस टेंशन बताया था, पृष्ठ तनाव बताया था, पृष्ठ तनाव के कारण हल्की चीज़ें तैरती हैं, जैसे सुई बताया था मैंने, सुई बताया था, कागज़ का टुकड़ा, सुई, ये सब पृष्ठ तनाव के कारण जल के ऊपर तैरते हैं। लेकिन भारी चीज़ों को तैराना होगा तो आर्किमिडीज को पढ़ना होगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ना होगा, उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल के कारण ये सब तैरते हैं, ये जो तैर रहा है बैगन, ये उत्प्लावन बल के कारण तैर रहा है, इसके कारण उत्प्लावन बल के कारण तैर रहा है, ऊपर आ गया है, ठीक। तो ये जो पानी का जो जहाज होता है उसको कुछ इस तरीके से बनाया जाता है, इसका पेंदा जो है इतना भारी कर दिया जाता है, इसको खोखला कर दिया जाता है, इसको क्या कर दिया जाता है, खोखला, तो जितना ये डूबा है उतना तो जल क्या करेगा, वो फैला देगा जितना डूबा, और वजन अगर निकालेंगे तो जहाज चूंकि खोखला होता है तो हल्का होता है, और पानी उसने अपने से ज्यादा बाहर फैला दिया तो क्या होगा, सतह पर तैरेगा। इसीलिए हजार हजार क्विंटल के जहाज जो होते हैं वो पानी पे आसानी से तैरते हैं, भाई जितना बड़ा तुम्हारा गाँव है ना, इससे बड़े बड़े जहाज होते हैं पानी के, पूरा एक जो है आगरा शहर का आधा व्यक्ति बैठ जाएगा, इतने बड़े बड़े जहाज होते हैं पानी के, और बताओ पानी में तैरते हैं। तो इस आर्किमिडीज के सिद्धांत के आधार पर ही इस जहाज को बनाया जाता है, यानी इसको खोखला बना दिया जाता है, भाई कमरे बना दिए गए, कमरे तो खोले खोखले ही हैं, स्टील पिस्टील के बना दिए जाते हैं, हल्के होते हैं स्टील, और ये सब खोखले होते हैं, तो जो है पानी और उसका जो नीचे का पेंदा होता है वो गहरा बना दिया जाता है, तो पेंदा जब डूबेगा तो उतना पानी क्या करेगा, फैला देगा, उतना पानी बाहर को फैला देगा,
भैंसिया को देखा होगा तुमने पानी में तैरते हुए, भैंस तो कहीं सीखती नहीं है ना, और तैरती है बिना हाथ पैर चलाए, क्योंकि भैंस का पेट होता है बाहर निकला होता है, ये पेंदा ऐसे निकला होता है भैंस का, गाय का भैंस का पेंदा निकला होता है, तो वो आसानी से तैर लेती हैं। अब जैसे किसी एक बड़े से टब में पानी भर दो भैंस के बराबर, और भैंस को टब में घुसेड़ दो, तो पानी क्या, बहुत सारा पानी क्या हो जाएगा, टब से बाहर निकल आएगा, और उस पानी का वजन करोगे तो भैंस के वजन से ज़्यादा हो जाएगा उस पानी का वजन। तो इसीलिए भैंस जो है पानी में तैर जाती है आसानी से, और हम डूब रहे होते हैं पूँछ पकड़ करके निकल आते हैं। ऐसे कभी एक बार तालाब में मैं नहलाने ले गया, मुझे तो आता था नहीं, तो मैं डूबने लगा, उसकी पूँछ पकड़ लिया, तो मैं भी तैरते हुए निकल आया। तो ऐसे भैंस कुत्ते, और जिस इंसान का जो है चेस्ट बाहर निकला होता है, वो भी भैंसिया की तरीके से तैरने में उसको आसानी मिलती है, क्योंकि चेस्ट से हमारा बैलेंस बनता है तैरने में, तो चेस्ट जिनका बाहर निकला होगा वो तैरने में उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरीके से जो है ये आर्किमिडीज के सिद्धांत के आधार पे जहाज वगैरह पानी के तैरते हैं। ठीक।